कभी गए हो स्कूल में आप? हाँ, आठवीं तक पढ़ी हुई। आठवीं तक, उसके बाद क्यों छोड़ दिया स्कूल आपने? काम पे आ गए। काम पे आ गए। तो चाहते हो आगे पढ़ना चाहते हो आप? हाँ। तो किसी ने कहा, कभी कहा नहीं सपोर्ट करने के लिए कि आप आज बच्चे पढ़ो, आपकी फीस हम दे देंगे, या कोई आया नहीं सपोर्ट करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आया। मम्मी पापा क्या काम करते हैं आपका? मम्मी जाती हैं कोठियों में काम करने, पापा बेलदारी का करते हैं। पापा बेलदारी का काम करते हैं। हाँ। कि अपने इंसान होने का जरा आभास तो करा दो, अपने हाथों से किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ा दो। सिंपल सी बात है। देश की सेवा करने के लिए ना जरूरी नहीं है कि आप लोग सीमा के ऊपर जाओ, युद्ध करो या फिर दुश्मनों से लड़ो। अगर देश सेवा का जज्बा आपके दिल के अंदर है ना, तो आप समाज सेवा के अनेकों साधन, अनेकों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, अनेक तरह से आप देश की सेवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवा आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए कि झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, सेक्टर 33 के अंदर मैं यहाँ पर अभी पहुँचा हूँ यहाँ पर। और ये सारे के सारे बच्चे ना पढ़ना चाहते हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं ना, कोई मजदूरी करता है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई फड़ लगाता है, पढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। पर कुछ युवा लोग हैं जो जिनके मन में ये है कि मैं मेरे देश की सेवा करूं, मेरे जो ये जो युवा है, ये जो बच्चे हैं जो कल का देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनको लेकर कुछ करें। जब तक ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत रास्ते में चलेंगे, नशा करेंगे, लूट खसोट करेंगे, चोरी करेंगे। तो सबसे बड़ा जो इन मीडियम जो है एजुकेशन है, एक एजुकेशन के बाद ही ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। मुकेश जी है मेरे साथ में जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मुकेश जी, क्या मन में आया ये शुरू करने का? सर, सबसे पहले मेरे मन में ये ख्याल आया कि दिवाली के अगले दिन जैसे मैंने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में आग लग जाती है और वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो जाता है, और वो दूरदर्शन मैंने देखी ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, एक सुई तक भी उन लोगों की नहीं बचती है। जहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, परिवार थे, और उन लोगों की वो दास्ता देख के मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि उनके पास एक सुई तक भी नहीं थी उनकी केयर करने के लिए। तो ये कब से आप लोगों ने स्टार्ट किया है? ये सर मैंने अभी, आज मेरा 7वां दिन है और आज मैंने इसकी ओपनिंग डे रखा है, क्योंकि 14 नवंबर को हमारे चाचा नेहरू जी का जन्मदिन होता है, चिल्ड्रंस डे स्पेशल बनाया जाता है, तो उन्हीं की याद में और उन्हीं बच्चों के लिए मैंने स्कूल की स्थापना की है, भूमि शेल्टर स्कूल हिसार सेक्टर 33। तो मुकेश जी, ये जो बच्चे अभी आप, मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या है बच्चों की यहाँ पर, मेरे ख्याल से 50 के आसपास बच्चे यहाँ पर हैं, तो क्या 100 बच्चे अभी यहाँ पर हैं? तो ये स्कूल जाते नहीं है क्या, सिर्फ आप लोग ही इनको एजुकेट कर रहे हो? सर, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाज़ा तक भी नहीं देखा है, ये वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। मैंने काफ़ी सर्वे किया, इन लोगों के बीच में घूमा, कभी आपको कोई पढ़ाने आया? इनके पास इतने सोर्सेज नहीं है, इनके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो कोई अच्छे स्कूल में या अच्छी एजुकेशन इन बच्चों को दे सके। तो सर, मैंने इन बच्चों के लिए सोचा, क्योंकि ये आने वाला हमारे देश का भविष्य है, यही बच्चे हैं जो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फौजी बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई जस्टिस ऑफिसर बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई डीसी बनेगा, कोई एसपी बनेगा। इनमें से ही हमारे हिसार शहर के वो बच्चे हैं जो कुछ न कुछ एक दिन जरूर से जरूर बनेंगे। इनके पेरेंट्स की तरफ से कैसा कोऑपरेशन मिल रहा है आपको? बोल रहे हैं स्कूल में भेजने के लिए या फिर भी इनको कहीं ना कहीं काम पर भेज रहे हैं? आजकल देखने को मिलता है कि सफाई के लिए कहीं लगा देते हैं, कहीं जो उसके जो अपना फड़ लगती है उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं, तो ऐसे काम भी लोग आजकल करवा रहे हैं। सर, मैंने ना पहले तो इनकी फैमिली वालों से बात की, इनकी फैमिली वालों के आगे हाथ पैर भी जोड़े कि दीदी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को आप, इन जो मेरे साथ जोड़ रहे हो ना, उनको कभी कोई काम में मत लगाना। यदि आपको किसी तरह की नीड की जरूरत है ना, तो हम लोगों को बता देना। इन बच्चों से ना कोई काम करवाओगे, ना कोई इनको गलत शिक्षा देनी है, ना इनको किसी ऐसे रूट में डालना है कि ये काफ़ी परेशान हो। तो ये बच्चे यही समझो कि भूमि शेल्टर स्कूल ने अडॉप्ट कर लिए हैं और इन बच्चों की पूरी शिक्षा भूमि स्कूल करेगा। मैं मुकेश जी के बारे में बता दूं, ये एक भूमि आश्रम करके वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, जिसके अंदर 70-80 बुजुर्ग लोग हैं जो जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको सहारा देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है भूमि आश्रम के नाम पर, जहां पर अभी भी जो बेसहारा है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनके बड़े अच्छे से केयर करते हैं। अनाज मंडी हिसार के अंदर इन्होंने वो आश्रम भी बना रखा है। कभी आपका भी विजिट हो तो एक बार प्लीज़ उस आश्रम के अंदर भी विजिट करें। और आज की इस इनिशिएटिव के लिए मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सर, धन्यवाद नहीं सर, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और सेवा की बात अभी भाई साहब ने बताई कि मैं एक वृद्ध आश्रम भी चलाता हूँ,
तो सेवा करने के लिए सिर्फ एक आश्रम की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे बच्चों को भी सेवा की ज़रूरत है। और सेवा का कोई ये नहीं है कि एक स्थान होता है, कहीं भी जाके किसी भी समय कोई भी सेवा कर सकते हैं सर। तो कितने लोगों की टीम अभी आपके साथ जुड़ी हुई है? सर अभी जैसे कि मैंने 6 दिन से मैं रेगुलर इन बच्चों के बीच में पहुंच रहा हूं, तो समाज के कुछ सारे लोगों ने मेरे को काफ़ी मतलब ऊपर उठाने की कोशिश की है कि भैया आप वाकई में एक जेन्युइन काम कर रहे हो, आश्रम के साथ में बच्चों का भी इनिशिएटिव आपने लिया। इनके बीच में भी हमारे साथ में एक जयराम दास चावला जी है सुंदरनगर से है, पिंकी दीदी जी हैं, कमलेश जी हैं सर्वोदय वेलफेयर सोसाइटी से, ये भूमिका जी हैं जो श्याम बाबा से हैं, एक डॉक्टर हमारे नरेश जी हैं जो कि वो भूमि आश्रम में सेवा भी देते हैं और साथ में इन बच्चों के लिए भी समय निकालने के लिए मेरे यहाँ पर पहुँचे। प्रशासन की तरफ से कुछ सपोर्ट आपको मिल रही है? सर मेरे को खुशी की बात ये है कि मैंने ना हमारे हिसार शहर हमारे हस्सी के SDM साहब है राजेश कोच जी, उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि मुकेश भाई इन बच्चों के स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए स्पेशल मैं आऊँगा, क्योंकि मैंने भी वो हाल देखा था और आप भी हमारे साथ जुड़ के वो सेवा कर रहे थे। तो अभी 5 से 7 मिनट में हमारे राजेश कोच साहब SDM साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं, अनिल मानी जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। और बात आती है कॉरपोरेशन की, सर सभी लोग प्यार करते हैं, मेरे लिए तो सभी पूरा समाज ही प्यार करता है। मीडिया पार्टनर लगाओ, समाज के लोग लगाओ, पुलिस वाले लगाओ, सब लोगों की दया दृष्टि और श्याम बाबा की दया दृष्टि इतनी हो रही है कि मैं इस काम को करने में बड़ा सफल महसूस कर रहा हूँ। चलो मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुकेश भैया, ऐसी सेवा करते रहते हैं बच्चों की, बच्चे आजकल का देश का भविष्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी इनकी मदद करेंगे, हम मुकेश भैया तो के साथ पढ़ाने के लिए क्लास वगैरह देने के लिए भी पहुंचोगे? हाँ जी हाँ जी। तो टाइम इनका आपने सेट किया कि इस टाइम से इस टाइम तक क्लास रहेगी? टाइम मॉर्निंग में ही रहेगी, 10 बजे से लगेगी और फिर 1 बजे तक लगाएंगे, जैसे भी होगा आगे देखेंगे, वो तो बाबा की मर्जी जैसे होगा। चलो भूमि शेल्टर स्कूल की ओपनिंग करने के लिए EO स्टेट ऑफिसर राजेश कोच जी हमारे पास पहुंचे हैं। सर ऐसा इनिशिएटिव कैसा लगता है, मतलब शहर में होना चाहिए? देखिए जितनी कोठियां जरूरी हैं शहर में और समाज में, उतनी ही जरूरी जो जरूरतमंद समाज है उनकी झुग्गियां, उनके घर और उनके बच्चों का शिक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा, उनका लालन पोषण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सेक्टर वासियों जो कोठियों वाले उनका। ये समाज का अभिन्न अंग है, सभी बराबर हैं और इन बच्चों को अगर हम शिक्षा के अवसर से मुक्त रखते हैं या वंचित रखते हैं तो हम सभी जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग कहलाते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में फेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने अभी स्कूल के बच्चों से बात की है, इन बच्चों से बात की है तो ये बोले कि स्कूल जाना चाहते हैं जी, बट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी माँ कोठियों में काम करती है या फिर जो भी है इनका फादर जो है बेलदार है, तो प्रशासन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इनको कहीं सपोर्ट करेंगे? देखिए ऐसा है कि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं और अन्य स्कूलों में भी राइट टू एजुकेशन के तहत ये सुविधा मिली हुई है कि सभी बच्चों को एनरोल कराया जाएगा। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियाँ और पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते, फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिला पाते। हमारे बहुत से महानुभाव ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाए या स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, लेकिन इन बच्चों को हम वंचित नहीं रखना चाहते। और समाज, अब ये देखिए समाज खड़ा है सामने, ठीक है, तो समाज और सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएँ सब मिल करके अगर बीड़ा उठाएं, बल्कि मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, बड़ी बात नहीं कहता, हर कोठी वाला एक झुग्गी को अगर ऑन कर ले, अगर वो गोद ले ले कि उसके जो भी ज़रूरतें होंगी उनको हम पूरा करने, छोटी छोटी ज़रूरतें इनकी, कापी किताब पेंसिल स्टेशनरी छोटी मोटी बातें हैं, इनको अगर हर व्यक्ति हर पढ़ा लिखा, ईच वन टीच वन प्लांट वन, तभी तो कहते हैं ना, ईच वन टीच वन प्लांट वन, हर व्यक्ति अगर एक पौधा लगा दे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपने इंसान होने का ज़रा आभास तो करा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो। लकड़ी के पालने में झूला, लकड़ी का पका खाया, अंत तक साथ देगी लकड़ी, बुढ़ापे में बनेगी हमसाया, देखो लकड़ी का कितना कर्ज है तुम पर, कुछ तो कर्ज चुका दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो। मैं आज कहता हूँ कि अपने इंसान होने का ज़रा आभास तो करा दो, अपने हाथों से किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ा दो। बहुत वेरी सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं सर। राजेश कोच जी की तरफ से बच्चों के लिए क्या सपोर्ट रहने वाला है इन फ्यूचर? देखिए इन सब
फ्यूचर में ये रहेगा कि जब तक ये बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, इनकी स्टेशनरी, इनके बुक्स, जो भी ये चाहेंगे वो भूमि आश्रम के सहयोग से उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। और कोई बच्चा अगर किसी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। मैं सबको कहता हूँ, हमारे जो झुग्गीवासी हैं, कि इन बच्चों को नज़दीकी स्कूल में लेकर के जाएं। कोई इनको फीस नहीं लगती, कोई स्टेशनरी की फ़ीस नहीं है, कोई वर्दी की फ़ीस नहीं है, सब कुछ मुफ्त है। नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में जाएं तो सही। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इसका पता कैसे चला कि भाई इस तरीके से एक जो है गरीब बच्चों के लिए स्कूल आप खोल रहे हैं, तो किस तरीके का आपका सहयोग कैसा रहेगा इनका? जैसे हम मुकेश भैया से तो जाते रहते हैं वहाँ आश्रम में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ बच्चे हैं। अभी झुग्गियों में आग लगी थी ना, वहाँ हमारी डिस्कस हुई थी रात में, ये लोग डिनर के लिए गए थे, तो इन्होंने कहा कि दीदी वहाँ भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। हमने कहा मुकेश भैया हम आपके साथ हैं, जैसी भी हेल्प हमसे होगी हम लोग करेंगे। तो हम लोग विजिट कर रहे हैं 4 दिन से यहाँ रेगुलर, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, मुकेश भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ लगे रहते हैं, सबके कॉन्टेक्ट नंबर लिए, पेरेंट्स को एग्री किया, क्योंकि इन लोगों के जो पेरेंट्स है ना जी, वो इन बच्चों को जल्दी से स्कूल में नहीं आने देते। तो अभी पेरेंट्स की तरफ से कोऑपरेशन कैसा मिल रहा है? फुल, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाई करवाओ, हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़े। अभी, अभी आपने देखा है, अभी कह रहे हैं कि 7 दिन से क्लासेस चल रही हैं जी, तो लेवल क्या है इनका? अभी बेसिक क्लियर है इनका या अभी आप बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले? जीरो से शुरू कर रहे हैं सर। ये बच्चे ऐसे थे सर, आज से 1 महीना पहले हम लोग यहाँ डोनेट करने आते थे ना, तो गाड़ी के पीछे भाग लेते थे और दूर तक गाड़ी के पीछे ऐसे पागलों की तरह भागते थे। वही बच्चे मुकेश भैया ने 4 दिन के बाद हम गाड़ी लेके आए, हालांकि हमारे पास सामान था, एक भी बच्चा यहाँ से नहीं उठा। डिसिप्लिन सीख रहे हैं, बहुत अच्छा डिसिप्लिन सिखाया है मुकेश भैया ने। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। बच्चों से मैं बात कर लूं एक बार। बेटा क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। जेना। पढ़ना चाहते हो तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, क्या काम करते हैं मम्मी पापा आपके? बताओ बताओ बेटा, बताओ क्या काम करते हैं, बता दो बेटा। आपका पापा क्या काम करते हैं? बेलदारी का। बेलदारी का काम करते हैं। नाम क्या है आपका? बाछल। हाँ जी, बाछल। जोर से बोलो थोड़ा सा। बाछल। बाछल। तो कभी गए हो स्कूल में पहले? कभी कभी गए हो? कब, कौन सी क्लास तक गए हो बताओ ना। कौन बोलने वाला है बच्चा, कौन बताएगा? हाँ आप आओ, आगे आओ बेटा। कुछ बच्चे जो स्कूल में जाते थे सर। आओ इस तरफ आओ। हाँ जो इस तरफ आ जाओ। तो ये बच्चे देख लीजिए आप, 100 के करीब बच्चे हैं और हिसार की कुछ संस्थाएं जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेटा नाम क्या है? कंचन। कंचन नाम है। कभी गए हो स्कूल में आप? 8वीं तक पढ़ी। 8वीं तक, उसके बाद क्यों छोड़ दिया स्कूल आपने? काम पे आ गए। काम पे आ गए। तो चाहते हो आगे पढ़ना चाहते हो आप? हाँ। तो किसी ने कहा, कभी कहा नहीं सपोर्ट करने के लिए कि आप आज बच्चे पढ़ो, आपकी फीस हम दे देंगे, या कोई आया नहीं सपोर्ट करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं। तो ये आपके छोटे भाई बहन है, तो आप चाहते हो कि ये पढ़ लिख कर अच्छे बने? हाँ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो नशा करेंगे, चोरी जुआ खेलेंगे। तो आप इनको इनको बोलोगे ना पढ़ोगे? आप पढ़ेंगे सब अच्छे, सभी पढ़ेंगे। हाँ। तो मम्मी पापा क्या काम करते हैं आपका? मम्मी जाती हैं कोठियों में काम करने, पापा बेलदारी का करते हैं। पापा बेलदारी का काम करते हैं। हाँ। तो वो बोलते हैं कि आगे पढ़ने के लिए बोलते हैं कि अब काम करो, नहीं पढ़ना आप आगे? पापा बोलते हैं करो पढ़ो। अच्छा, पापा बोलते हैं पढ़ो। हाँ। मम्मी क्या बोलती है? मम्मी भी बोलती है। फिर आप क्यों नहीं पढ़ते? काम पे हम मम्मी पापा के साथ आ गए। अच्छा, तो आप आगे पढ़ना चाह रहे हो? चलो कोई नहीं, आपकी सपोर्ट करेंगे। बेटा आप आगे आओ। नाम क्या है आपका? खुशबू। खुशबू नाम है। पढ़े हो, गए हो स्कूल में? हाँ। अभी जाते हो? नहीं, बीच में छोड़ दिया था अभी। कौन सी क्लास तक गए हो आप स्कूल में? 7th। तो अभी मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मम्मी भी कोठियों में करती है। अच्छा। और पापा मेरे मंडी में जाते हैं। कितने भाई बहन हो आप लोग? हम 4। तो बाकी छोटे हैं आपसे या बड़े हैं आपसे? नहीं, मेरे से बड़े हैं, मैं एक अकेली हूँ। अच्छा, आप अकेले हो। तो आप ये जो आपके छोटे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, क्या चाहते हो आप? इनको बोलोगे कि आप पढ़ो, पढ़ के अच्छे बनो? देखो हम तो पढ़े नहीं, पर ये तो पढ़ सके, ये पढ़ सके। हम इतना चाहते हैं ये तो पढ़ ले, इनके माँ बाप भी नहीं पढ़ा रहे, तुम अच्छे से कर रहे हो तो ये पढ़ ले, बस हम इतना चाहते। बहुत अच्छे बेटा। तो ये देख लीजिए भाई, सोच इनकी बहुत अच्छी है, ये खुद ये चाहते हैं कि 8वीं 7वीं तक ये पढ़े हैं, ये खुद चाहते हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो गलत संगत के अंदर ना जाएं, गलत जगह ना जाएं, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने ताकि खुद का विकास करवा सकें। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक सपोर्ट इनको
ज़्यादा नहीं मिल पाया है, प्रशासन इसके अंदर एंट्री करने वाला है, तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि जितना हो सके इस संस्था का सपोर्ट करें, इनका सहयोग करें, ताकि ये जो देश का भविष्य मेरे सामने बैठा है, जिनके माँ बाप जो है झुग्गी झोपड़ियों में जाकर अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए काम करते हैं, वो किसी गलत संगत के अंदर ना पड़े, कहीं नशे वगैरह की गलत संगत में ना पड़े और इनका भविष्य अच्छा बन पाए। ये मुकेश जी हैं, मैं इनका साधुवाद करूंगा, जिन्होंने पूरा का पूरा इनिशिएटिव ले रखा है इस पूरे के पूरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं यही कहना चाहूंगा कि इन बच्चों से मैं ये पूछता हूं कि आपके मम्मी पापा भी आ जाएं कि आज अब चीज बट रही है तो आप उठ के जाओगे या नहीं जाओगे? और ये कहना चाहूंगा सर, भूमि शेल्टर स्कूल पूरे हिसार का है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और ज़रूर से ज़रूर इन बच्चों का परिवार बने, इन इस परिवार के लिए जितना हो सके वो करने की कोशिश करें और ये मुहिम हमेशा चलती रहेगी जब तक इन बच्चों का जीवन है, जब तक ये स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और इन बच्चों का प्यार ज़िंदगी भर हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। चलो मुकेश जी धन्यवाद आपका। तो ये लोकेशन मैं आपको बता दूं, ये मैं अभी जो जहाँ खड़ा हूँ सेक्टर 33 की झुग्गी झोपड़ियों के अंदर मैं खड़ा हूँ। तो मेरे जो भी लोग व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक बार चाहूँगा कि जितनी हो सके हर संभव मदद इन लोगों की करें, ताकि ये जो इन्होंने मुहिम एक छेड़ी है ये कंटिन्यू रहे और ये जो देश का भविष्य है पढ़ लिख कर कुछ अच्छा मुकाम पर ये पहुँच पाए। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सके। नमस्कार।